हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश पाइनएप्पल केक, जिसमें हमने यूज़ किया है फ्रेश पाइनएप्पल का। किसी भी तरीके के एसेंस का यूज़ नहीं करना है। इसके लिए हमने लिया है आधा कप बिल्कुल बारीक कटा हुआ पाइनएप्पल। इसमें आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट या टूटी फ्रूटी, चोको चिप्स, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच मैदा और इसको अच्छे से मिक्स कर एक साइड रख देंगे। अब हम मिक्सी का एक पॉट लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप पाइनएप्पल और इसकी हम प्यूरी बनाकर रेडी कर लेंगे। इस प्यूरी में हम डालेंगे एक कप चीनी, आधा कप घी या बटर और इसको हम अच्छे से चला लेंगे एक बार मिक्सी में। इसको भी हम साइड रख देंगे। अब एक बाउल लिया है हमने, इसमें डालेंगे 2 एग। आप जिस कप से सामान नाप रहे हैं सारा सामान उसी कप से नापें। 2 एग लेके हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर आधा कप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या आधा कप कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एग जब अच्छे से बीट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया था पाइनएप्पल का वो, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एग के साथ। हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच विनेगर। आप यहाँ पर एप्पल विनेगर या घर पर नॉर्मल वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे आधा कप दूध, इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप आटा, आधा कप मैदा, आप चाहें तो पूरा आटा या पूरा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और इसको अच्छे से छान लेंगे कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें ओवर मिक्स नहीं करना है वरना केक हमारा फूलेगा नहीं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे कटा हुआ पाइनएप्पल और ड्राई फ्रूट जो हमने मिक्स करके रखे थे। इसे डालने के बाद हम इसको हल्के हाथ से फिर से मिक्स कर लेंगे। अब जिस भी बर्तन में हमने केक रेडी करना है, केक टिन लेंगे, नीचे बटर पेपर लगाएंगे और इसमें हम डाल देंगे केक का मिक्सचर और इसको टैप कर लेंगे कि जिससे एयर बबल्स ना रहें। अब ओवन को हमने पहले ही प्रीहीट कर लिया था। अब 180 डिग्री पर इसे 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। हमने नीचे वाली रॉड ही चलानी है, ऊपर वाली रॉड को नहीं चलाना। आप चाहें तो इसको गैस पर भी बेक कर सकते हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे। 40 मिनट हो गए हैं और केक थोड़ा ठंडा भी हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे और इसके पीस कट कर लेंगे। केक हमारा बनकर एकदम रेडी है और ये फ्रेश पाइनएप्पल से बना है तो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसलिए इसको एक बार ट्राई कर देखिएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।